गांधी जयंती पर यमुनानगर प्रशासन ने किया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग बंद करने के लिए संदेश दिया। वहीं उपायुक्त ने स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। आज हमारे राष्ट्र की दो बहुत महान विभूतियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, तो उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उस प्रोग्राम के अंदर ही आज सिंगल यूज़ और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको कम्प्लीटली वीड आउट करने के लिए शपथ दिलाई गई है। और हम आशा करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के थ्रू पूरे जिले में ये मैसेज आएगा कि प्लास्टिक को जहाँ तक हो सके बिल्कुल बैन किया जाए। प्रशासन की तरफ से विभिन्न टीम्स बनाई हुई हैं और हमारे ऑफिसर्स भी हैं जो रिपीटेडली चालान करते रहते हैं जहाँ भी कोई ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है प्लास्टिक यूज़ के लिए। और आगे भी जिस तरह अभी आंदोलन के रूप में चलेगा इसको और ज़्यादा गति देते हुए हम इसको एनफोर्स करेंगे। एनवायरनमेंट को सर अच्छा बने इसके लिए पेड़ वगैरह भी लगाए जाए। बिल्कुल जी, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है जिसके तहत सभी स्कूलों में पौधागिरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पिछले कुछ समय में जैसे आपको पता है पूरे यमुनानगर जिले में विभिन्न विभागों ने अपना वृक्षारोपण किया है, चाहे वो नगर निगम हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, क्योंकि आज जो ये वृक्षारोपण हम कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक स्वच्छ लिगेसी उनके लिए छोड़ के जाएंगे। जिस तरह एक स्वच्छता ही सेवा ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी, और आज इस प्लास्टिक बैन का वैसे तो हम काफ़ी सालों से कर ही रहे हैं, तो ये आगे और त्वरित ताकि गति इसको मिले इसको और हम एनफोर्स करेंगे।